नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साईं कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड एफ 12 के यूनिट 1 से। यूनिट 1 में आप सभी को पढ़ना है शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी का परिचय। यदि आप सभी के पास सिलेबस होगा या महाविद्यालय से आपने अपना सिलेबस परचेज किया होगा तो आप देखेंगे पेज नंबर 59 में आप सभी को दिया गया है कि यूनिट 1 में शिक्षा में सूचना तथा संचार तकनीकी का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत हमने कई वीडियो आप सभी के बीच पहले प्रस्तुत किए थे। एक और टॉपिक रह गया था जो मुझे लगा कि आप सभी के बीच साझा करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तो आज के क्लास में हम विशेष रूप से बात करेंगे जो आईसीटी है। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये आईसीटी जो है एक विद्यार्थी के लिए यानी कि आप सभी के लिए, शिक्षकों के लिए यानी कि हम सभी के लिए, और फ्यूचर में भविष्य में आप शिक्षक बनेंगे आपके लिए, मार्गदर्शकों के लिए किस प्रकार आवश्यक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। विशेष रूप से हम चार बिंदुओं पर देखेंगे आज की क्लास में। विद्यार्थियों के लिए जो खुद को भी स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए कितना उपयोगी है, कितना आवश्यक है, इसके साथ ही साथ यूजफुल टूटर टीचर, यूजफुल टूटर काउंसलर यानी कि मार्गदर्शक, और साथ ही साथ जो एजुकेशनल प्लानर होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उन सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो यदि इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है, जब आपसे पूछा जाएगा कि आईसीटी क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है एक विद्यार्थी के लिए, एक शिक्षक के लिए, एक मार्गदर्शक के लिए, एक प्रशासक के लिए, या फिर जो आपके एजुकेशनल प्लानर होते हैं यानी कि जो शिक्षा को जो प्लान करते हैं उनके लिए कितना आवश्यक है, तो आराम से आप बेहतर तरीके से इसका उत्तर लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कि यदि हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, शिक्षा की दृष्टि से देखें, तो हम पाते हैं कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की उपयोगिता और महत्व जो है कई प्रकार से हो सकती है, जिसमें से पहला आपका है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। आप लिखेंगे यूजफुल टू द स्टूडेंट, विद्यार्थी के लिए कितना उपयोगी है। अभी आप क्या है, अभी आप प्रशिक्षु हैं, ट्रेनर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये उपयोगी है, हर किसी के लिए उपयोगी है, विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, ट्रेनर हो या फिर शिक्षक हो, हर किसी के लिए उपयोगी। हम एक एक करके पॉइंट वाइज समझते जाएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से नोट्स का भी निर्माण कर सके और आपका कंसेप्ट भी पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो जब हम बात कर रहे हैं यूजफुल टू द स्टूडेंट, तो इसमें आप सभी को लिखना है कि छात्र एवं छात्राओं के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कई सारे कार्यों में कर सकते हैं। वो कार्य कौन कौन है, इसमें आप लिखेंगे, आप इसको चाहें ये सेक्शन दे देंगे, ये में आपको लिखना है कि विद्यार्थी सूचना के स्रोतों से परिचित हो सकेंगे। यूजफुल टू द स्टूडेंट के पहले बिंदु में आपको लिखना है कि विद्यार्थी जो है सूचना के जो स्रोत हैं उससे परिचित हो सकेंगे। इसके उपरांत आप बी में लिखेंगे, सेकंड में आपको लिखना है कि सूचनाओं को सम्यक रूप से एकत्रित कर सकेंगे, यानी कि जो सूचनाएं हैं, जो इंफॉर्मेशन है, उसे बेहतर तरीके से उपस्थित कर सकेंगे। एक मैंने वीडियो आप सभी के बीच लाया था यानी कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है, ये वीडियो पहले से अपलोड किया चुका है, उस सब दे सकते हैं। बार बार सूचना शब्द की बात आ रही है, यानी कि इंफॉर्मेशन की चर्चा हो रही है, तो डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसका वीडियो पहले से हमने अपलोड कर रखा है। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, या फिर इसी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो डेटा एंड इंफॉर्मेशन का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसे भी आप देख लेंगे ताकि आपके बीच जो जो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा या जो भी कन्फ्यूजन होगा, समस्याएं होगी, उसे आप
दूर कर सकते हैं। तो जब हम सूचना की बात करेंगे तो सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है सूचनाओं को सम्यक रूप से एकत्रित करेंगे, जो भी सूचना है, जो भी जानकारी है, उसे आप बेहतर तरीके से इकट्ठा भी कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप सभी को होमवर्क दिया जाए तो बहुत ऐसे प्रशिक्षु हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि हम इसका आंसर कैसे लिखे। कई लोग हैं जो वीडियो से नोट्स नहीं बना पाते, उन सभी की सुविधा के लिए प्रत्येक वीडियो का हम नोट्स भी तैयार करते हैं और आप सभी के भी साझा करते हैं। हमने कई बार आप सभी के भी साझा किया था, हम यहाँ भी आपको शेयर कर देते हैं। ये मेरा एक ब्लॉग स्पॉट का लिंक है, जिसे आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपको सारा नोट्स उन्हें प्राप्त हो जाएगा। ये आप लिख लेंगे, इसे जैसे आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपको जितनी भी सूचनाएं हैं, जो भी वीडियो के नोट्स हैं, आपको यहाँ से आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। चलिए इसके उपरांत आपको इसका लिखेंगे, इसी में आपको लिखना है कि सूचनाओं के एकत्रीकरण के पश्चात आवश्यकतानुसार उपयुक्त अवसर पर उनके उपयोग का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। जब आपके पास बहुत सारी जानकारियाँ आ जाती है, सूचनाएं आती हैं, तो आप क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार या समय अनुसार, जब आवश्यकता पड़ती है, जब समय पर समय के अनुसार उसका यूज होता है, आप उसका प्रयोग करते हैं। इसी के बाद आप बी में आपको लिखना है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा वे समस्या समाधान की योग्यता और निर्णय क्षमता का प्रशिक्षण ग्रहण कर सकेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट के बारे में, विद्यार्थी के बारे में। विद्यार्थी आईसीटी का प्रयोग करते हैं, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, तो किन किन चीज़ों का वो लाभ उठा सकते हैं, उन्हें फायदा क्या का होगा, हमने चार बिंदुओं में जाना है। चार बिंदुओं में आप क्या करेंगे, अपने नोट्स में भी लिख लेंगे। चलिए इसके बाद आप हम बात करते हैं सेकेंड में, यूजफुल टू द टीचर्स, यानी कि जब आप भविष्य में शिक्षक बनेंगे या वर्तमान में हम शिक्षक हैं, तो मेरे लिए आईसीटी कितना उपयोग है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें भी आपसे हम वही बात लिखेंगे कि शिक्षकों को जो है आईसीटी के उपयोग से निम्नलिखित लाभ होंगे, कौन कौन लाभ होंगे, उसे भी आप पॉइंट वाइज या बिंदु वाइज आप लिखते चलेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ों को आप बिंदु वाइज समझाते हैं, पॉइंट वाइज बताते हैं, तो पढ़ने वालों के लिए भी आसान होता है, समझाने के लिए भी आसान होता है, और आप बेहतर तरीके से उसे याद भी रख सकते हैं। चलिए इसमें आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे पहला, ये दे देंगे, यानी कि ये किसका है, ये सेकेंड बिंदु का है, यूजफुल टू द टीचर का ये पहला है। आप सेकेंड में लिखेंगे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी शिक्षण दायित्वों को निभाने में उनकी सहायता कर सकता है। यानी कि आईसीटी जो है, एक शिक्षक का कार्य क्या होता है, एक शिक्षक का कार्य होता है शिक्षण कार्य करना, विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करना है। तो ये जो कार्य उनका है, इन कार्य को ये कार्य कह सकते हैं, फिर उनका दायित्व भी आप कह सकते हैं। तो उनका ये जो दायित्व है, उस दायित्व को निभाने में उनकी सहायता कर सकता है। इसके उपरांत आप लिखेंगे दूसरा बिंदु, यानी में आप लिखेंगे कि प्रभावी शिक्षण कार्य हेतु उन्हें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, आंकड़ों और जानकारी की आवश्यकता होती है। जब आप शिक्षण का कार्य करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, तो क्या होता है, आपको बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे आंकड़े और भी कोई भी इंफॉर्मेशन की आपको आवश्यकता पड़ती है, कि बिना जानकारी के आप शिक्षण कार्य नहीं कर सकते, आप किसी को कुछ बता नहीं सकते हैं। तो इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करने में आप क्या लिख सकते हैं इसमें, कि इस दृष्टि से सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है या फिर होती है। आप इसे सरल शब्दों में भी लिख सकते हैं, आप ये इसे लिखेंगे कि शिक्षण कार्य हेतु जुटाई जाने वाली सामग्रियों की मदद में या सामग्री की जुटाने में आईसीटी की भूमिका सर्वोपरि होती है या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसको उपरांत आप लिखेंगे तीसरे बिंदु में, सी में आपको लिखना है विद्यार्थियों को भी ज्ञान एवं सूचना के स्रोतों से अवगत कराकर शिक्षक अपने कार्यभार को कुछ हल्का कर सकते हैं।
ये देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि हम कोई सूचना आपको बता रहे हैं तो हम भी कहीं ना कहीं से सूचना एकत्रित करते हैं, किसी वेबसाइट से लेते हैं, किसी किताब से लेते हैं, लाइब्रेरी से निकालते हैं बुक, तो इन सभी के अध्ययन करने के उपरांत आपको चीजें बताई जाती है। तो यदि हम ICT के किसी वेबसाइट से, किसी ब्लॉग स्पोर्ट, जैसे मैंने अभी ब्लॉग स्पोर्ट का आपको लिंक दिया था, तो कहीं ना कहीं से हम सूचना एकत्रित करते हैं आप सभी को बताने के लिए। तो क्या कर सकते, एक शिक्षक क्या कर सकते हैं, जो सूचना का जो स्रोत है जहां से हम जानकारियां लेकर आकर आपको बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे उसी सूचना के स्रोत को आपको बता देंगे, ताकि आप डायरेक्ट वहां जाकर के आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। जब आप विद्यार्थी को सूचना के स्रोत के बारे में जानकारी दे देंगे तो शिक्षक का जो कार्यभार है उससे कुछ हल्का हो सकता है, और विद्यार्थी जो है बहुत कुछ बहुत ही कम समय में आसानी से सीख सकते हैं, सब चीजों से अवगत भी हो सकते हैं। इसके बाद एक और भी इंग्लिश में आप लिख लीजिए, चौथा, यानी कि डी में आपको लिखना है, शिक्षण जो है, शिक्षण मशीन कंप्यूटर निर्देशित स्वयं अधिगम सामग्री और अभिक्रमित पाठ्य पुस्तकों इत्यादि के द्वारा वे अपना कार्य अपेक्षाकृत अधिक अच्छे ढंग से कर सकते हैं। शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक जो ICT के द्वारा कंप्यूटर प्रोजेक्टर या और भी जितनी सामग्रियां है इन सभी का प्रयोग करके अपने शिक्षण कार्य को, पढ़ाने के कार्य को बेहतर तरीके से, मनोरम ढंग से आप सभी के बीच प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा आप सभी जानते होंगे मार्च के बाद से लगभग आपका महाविद्यालय बंद ही रहा है, लेकिन आप घर बैठे भी अपनी पढ़ाई जारी रखे थे। ये कैसे संभव हो पाया था, ये सभी संभव हो पाया ICT के मदद के द्वारा, यानी कि हम यहाँ महाविद्यालय से, तो हम लोग हम सभी के द्वारा महाविद्यालय से क्लास संपन्न कराया था, और आप अपने घर पर मोबाइल में, लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में क्या करते, क्लास को देखते थे, संचालन करते थे, होमवर्क तैयार करते थे। तो क्या हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, हम यह देख रहे हैं कि ICT के द्वारा जो शिक्षण हमारा कार्य है कभी रुका नहीं, वो लगातार चलता रहा, अभी भी चल रहा है और भविष्य में भी और बेहतर तरीके से चलता रहेगा। तो हमने यहाँ देखा कि विद्यार्थियों के लिए भी ICT यूजफुल है और टीचरों के लिए भी है, यानी कि शिक्षकों के लिए है। इन दोनों के अलावा तीसरे बिंदु में आप लिखेंगे यूजफुल टूडिंग काउंसलर, यानी कि मार्गदर्शकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी ICT है ही, इसके साथ ही साथ जो मार्गदर्शक होते हैं, जो जिसको मार्ग बताते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में काउंसलर्स बोलते हैं, उनके लिए भी ICT बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कह सकते हैं आपकी यूजफुलनेस है। निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं, भले ही आप इनका संचालन विद्यालय परिसर में हो या फिर नहीं हो या फिर किसी भी अन्य संस्थाओं में हो, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी हमेशा से ही उन सभी के लिए भी सहायक सिद्ध रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि हो सकती है। इस दृष्टि से जो है यह व्यक्तिगत, व्यवसायिक तथा शैक्षणिक से लेकर के विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं होती है, जैसे कि आंकड़े, जानकारियां, संप्रेषण की जो है निरंतर आवश्यकता रहती है। अतः आप इसमें लिखेंगे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की सहायता से विश्वसनीय एवं वैध आंकड़े तथा पूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई जा सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए बहुत जगह होता है कि विद्यालय में, महाविद्यालय में एक मार्गदर्शक की भी नियुक्ति की जाती है, कि काउंसलर की भी नियुक्ति की जाती है, वो क्या करते हैं विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। जैसे कि अधिकतर छात्र मेरे पास भी आते हैं, या आप सभी से भी चर्चा करते होंगे जो आपके जूनियर होंगे या आपके सहपाठी होंगे, कि मैंने प्लस टू कर लिया है या फिर ग्रेजुएशन कर लिया है, PG कर लिया है, इसके बाद क्या करें, किस लाइन की तरफ हम रुख करें। जैसे आप सभी प्लस टू किए होंगे, यानी कि इंटर किए होंगे, इंटर के बाद आपने DLED में नामांकन कराया है, तो DLED में नामांकन कराने के लिए भी आपको कोई ना कोई गाइड किया होगा, आपको कोई ना कोई मार्गदर्शक आपके बने होंगे, जिन्होंने आपको बताया होगा कि यदि आप 2 वर्षीय DLED प्रोग्राम को संपन्न कर लेते हैं तो आप
एक बेहतर शिक्षक बन सकेंगे, या फिर शिक्षक बनने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को करना आवश्यक है, तभी आप शिक्षण का कार्य कर सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। तो ये जो बताने का जो काम होता है वो एक मार्गदर्शक के द्वारा किया जाता है, और एक शिक्षक जो आप भविष्य में शिक्षक बनेंगे, शिक्षक भी एक मार्गदर्शक ही होते हैं, जो कि अपने छात्रों को हमेशा गाइड करते रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस रास्ते की तरफ चलना चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक छात्र प्रत्येक कार्य में बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन वो छात्र जो है एक कार्य में जरूर बेहतर होता है, तो क्यों ना हम उसको उसी कार्य में डाल दें जिस कार्य में वो बेहतर है। यदि मेरी आप पर्सनल की बात कीजिएगा तो हमको पढ़ाई से ज़्यादा चित्रकला में मन लगता था, मैंने चित्रकला का चयन किया, मैंने चित्रकला से अपने कोर्स का संचालन किया। तो इसी तरह आपको भी जिस क्षेत्र में जिस फील्ड में आपको रुचि है उस तरफ आप मोड़ सकते हैं। तो ये तो मतलब कि सबको पता नहीं होता, ना आपको पता है ना घर वालों को पता होता, तो एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, गाइड की आवश्यकता होती है, काउंसलर की आवश्यकता होती है, जो आपको बता सके कि आप इस कार्य में बेहतर है, तो उसे हम लोग मार्गदर्शक कहते हैं। तो ये मार्गदर्शक जो होते हैं वो यदि आपको कुछ बता रहे हैं तो उनके पास भी जानकारी होनी चाहिए ना, तभी तो वो आपको कुछ बता पाएंगे। तो वो जानकारी कहाँ से इकट्ठा करेंगे, वो जानकारी जो है वो ICT के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा जानकारी इकट्ठा करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी छात्र को संगीत में बहुत ज़्यादा मन लगता है, उसे संगीत बहुत प्रिय है, वो संगीत के क्षेत्र में ही जाना चाहता है, तो एक मार्गदर्शक को पता होना चाहिए कि संगीत महाविद्यालय कहाँ कहाँ है, कौन से कोर्स हैं, कितने साल का कोर्स है, उस कोर्स में नामांकन लेने के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बारे में उसे अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी वो किसी को कुछ बता सकता है। तो वो क्या करेगा, वो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की सहायता से ICT की मदद से वो सब चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा, फिर आप सभी के बीच वो साझा करते रहेगा। तो हम यह देख पा रहे हैं कि जितना टीचर और स्टूडेंट के लिए है उतना ही एक काउंसलर के लिए भी ICT उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए चौथा में आप लिखिए कि शैक्षिक नियोजकों एवं प्रशासकों के लिए भी उपयोगी, यानी इंग्लिश में आप इसे कहेंगे यूजफुल फॉर दी एजुकेशनल प्लानर्स, यानी कि एजुकेशनल प्लानर उसे कहते हैं जो आपके जो शैक्षिक जो कार्यक्रम है इसका वो नियोजक करते हैं, इसके वो प्लान करते हैं। इसके साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं उनके लिए भी ICT बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें आप सभी लिखेंगे कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी शैक्षिक नियोजक नियोजन एवं प्रशासन से संबंधित विभिन्न कार्यों की दृष्टि से नियोजकों एवं प्रशासकों के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है। कैसे उपयोगी हो सकता है इसे भी हम बिंदु वाइज समझेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से नोट्स भी बनाते चले। जैसे कि मेरा हमेशा कोशिश रहता है, मेरा प्रयास रहता है कि आप वीडियो से ही अपना नोट्स भी तैयार कर ले ताकि आपको होमवर्क लिखने में या भी आगामी परीक्षा में आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। फिर भी यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको ब्लॉगस्पॉट का लिंक दिया था, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम वो लिंक दे देते हैं ताकि उस पर आप क्लिक करके नोट्स को भी डाउनलोड कर सके और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से संपन्न कर सके। आप इसमें पहले बिंदु में आपको लिखना है कि शिक्षा संबंधी गतिविधियों का ठीक प्रकार से संचालन करने में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी मूल्यवान सिद्ध होती है। यानी कि एक प्रशासक का काम क्या होता है, जो भी आपके महाविद्यालय में जो प्रशासनिक कर्मचारी है उनका काम यही होता है कि जो भी शिक्षा से संबंधित जो भी गतिविधियां चल रही है उन गतिविधियों का संचालन बेहतर तरीके से हो सके। जैसे कि आप सभी जानते होंगे आपको महाविद्यालय की तरफ से मोबाइल ऐप प्रदान किया गया है, ID पासवर्ड जनरेट कर दिया जाता है ताकि आप घर बैठे आसानी से अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं वो भी ICT के मदद से ICT के द्वारा
जो भी एजुकेशन से संबंधित गतिविधियां होती हैं, जो एक्टिविटी होती है, उसका संचालन वो अच्छे प्रकार से करते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे सेकेंड बिंदु में, बी में आपको लिखना है कि किसी भी प्रकार का योजनाबद्ध कार्य बिना उपयुक्त सूचनाओं, जानकारियों एवं आंकड़ों के अभाव में पूर्ण नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी कार्य के लिए हम योजना बनाते हैं, किसी भी कार्य को संचालन करने के लिए हम प्लान करते हैं, तो उसके लिए हमें मेरे पास एक प्लानिंग होना चाहिए, यानी कि मेरे पास एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए कि सूचनाएं होनी चाहिए, मेरे पास जानकारी होनी चाहिए, आंकड़ा होना चाहिए, तभी आप किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से संपन्न कर सकते हैं। जैसे किसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि छात्रों को किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश देना, परीक्षाएं आयोजित करना, ऑनलाइन क्लासेस संचालित करना, किसी टूर प्लान का आयोजन करते हैं, तो उसके लिए भी क्या होता है, हमें सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की सहायता लेनी पड़ती है। यदि शायद आप सभी को स्मरण होगा, तो जब महाविद्यालय आपका बंद नहीं हुआ था, यानी कि महाविद्यालय चल रहा था अभी, तो महाविद्यालय की तरफ से एक टूर प्लान का भी आयोजन किया गया था। तो इसके लिए शायद हम लोगों ने भूटान का चयन किया था। तो वहाँ जाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि वहाँ पासपोर्ट आपको नहीं लगता है, केवल आपके पास वोटर आई कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड वहाँ वैलिड नहीं होता है। तो ये सब जानकारियाँ कैसे प्राप्त हुई, इन सब ये सभी जानकारियाँ जो है हम लोग को ICT के द्वारा प्राप्त होती है। ICT के द्वारा हमने सब जानकारियों को इकट्ठा किया कि वहाँ हम कैसे जा सकते हैं, कौन जाने का ट्रेन कौन सा है, कितने दिन का टूर प्लान हो सकता है, किन किन जगह पर हम घूमेंगे, फिर आने का प्लान क्या है। तो इन सभी जानकारियों को पहले ICT की मदद से इकट्ठा किया गया, फिर उसे विचार किया गया, कितने दिन का प्लान होगा, कितने छात्र जाएंगे। तो ये सभी क्या होता है, एक प्री प्लान करना पड़ता है। तो ये प्लान करने के लिए जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, उनका एक कार्य होता है, वो इस चीज़ को प्लान करते हैं, उसके उपरांत फिर कार्य का संपन्न किया जाता है। तो जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी उनको सभी भी ICT की मदद लेते हैं। यानी कि हम यहाँ जाने की आज की वीडियो में कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यानी कि आपके विद्यालय में, महाविद्यालय में, हर किसी के लिए ICT बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप केवल ये नहीं कह सकते ICT केवल स्टूडेंट और टीचर के लिए ही है, उन सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि शैक्षणिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, सभी के लिए ICT बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अब हम बात कर रहे थे आज के क्लास में, आज के वीडियो में, कि ICT जो है किस प्रकार से आवश्यक होती है। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न आदि आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप बेहतर तरीके से इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। एक और ही आपका टॉपिक है जो कि आपकी यूनिट 1 के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे, और वो है कि ICT के उपयोग करते समय हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये देखिए कहा भी गया है, कोई चीज यदि बहुत आसान है तो आसान किसके लिए है, जो उसका प्रयोग कर रहा है उसके लिए बहुत आसान है, और जो इसका प्रयोग नहीं कर रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि ऑनलाइन क्लास लेना मेरे लिए आसान हो गया है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें ऑनलाइन क्लास लेना अभी भी मुश्किल लगता है। आप लोग जैसे कि वीडियो देखकर समझ आते हैं, आपके लिए आसान है, लेकिन बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि ऑनलाइन क्लासे देखकर समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए मुश्किल है। तो इसी टॉपिक पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि ICT का उपयोग यदि हम कर रहे हैं तो हमें किन किन कठिनाइयों का, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उन परेशानियों से हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए आज के क्लास हम इतना ही रखते हैं। आज के क्लास को या इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।